हेलो फ्रेंड्स, वर्चस्व इंफ्रा प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कंक्रीट के इम्पोर्टेंट टेस्ट स्लम कोन टेस्ट उसके बारे में आपको बताते हैं। स्लम कोन टेस्ट होता क्या है और क्यों करते हैं। स्लम कोन टेस्ट जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है। स्लम कोन टेस्ट जो करते हैं हम IS कोड 1199 उसके हिसाब से हम टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए हम जो स्लम कोन टेस्ट का जो अपार्टस होता है वो अपार्टस है, एक तो ये स्लम कोन टेस्ट कॉनिकल शेप का होता है एंड एक ये रोड है टेम्पिंग रोड ये होती है। इस जो स्लम कोन टेस्ट है, स्लम कोन का जो अपार्टस होता है इसका जो टॉप डाया है ये 10 सेंटीमीटर का होता है। इसका जो इंटरनल डाया है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 30 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो बेस प्लेट होती है ये मेटल की बनी हुई होती है। इसका जो डाया, इसकी जो थिकनेस है वो 1.6 mm की होती है। यह जो टेम्पिंग रोड है, यह टेम्पिंग रोड 16 mm डाया इसका होता है। ये राउंडेड शेप में होती है एक साइड से और इसकी जो लेंथ है वो 600 mm की होती है। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर किया जाता है, ये जो स्लम के टेस्ट जब भी करते हैं हम, तो जो बेस है ना वो कंप्लीट बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। प्लेन होने के बाद ही इस टेस्ट को किया जाता है। फ्रेश कंक्रीट लेने के बाद जब साइट पे या कहीं पर भी इस टेस्ट को किया जाता है तो इसको कंक्रीट का जो मिक्स है वो 4 लेयर में भरने के बाद, यानी 30 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है तो क्वार्टरली इसको 4 लेयर में भरते हैं। हर लेयर भरने के बाद इसमें 25 स्ट्रोक्स में मारा जाता है। 25 स्ट्रोक्स करने के बाद, इस टेस्ट को जब पूरा करने के बाद करते हैं तो इसको पूरा, अगर कोई कंक्रीट इसके बाहर निकल जाती है तो पूरा क्लीन करने के बाद इसको निकाल के, और जो यह इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इसका स्लम टेस्ट होता है। स्लम कोन टेस्ट करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जब भी स्लम कोन टेस्ट करते हैं तो इसका स्लम का जो इंटरनली जो सरफेस है वो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए और इसके अंदर कोई कंक्रीट सेट नहीं होनी चाहिए। इस टेस्ट को करने के लिए अब अलग अलग, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर सेम होता है, इनकी जो स्लम की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। इस चीज़ को देखने के लिए हम मोर्थ के सेक्शन नंबर 1700 में टेबल नंबर 1704, अगर हम कोई कंक्रीट गर्डर में यूज कर रहे हैं या डेक स्लैब में यूज कर रहे हैं या पियर कैप में यूज कर रहे हैं या फाउंडेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उनके लिए सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। यह हम देखने के लिए मोर्थ के सेक्शन नंबर 1700 में टेबल नंबर 1704 को देख सकते हैं। इस प्रकार ये कंक्रीट का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। आपको इस चैनल के माध्यम से और भी टेस्ट बताए जाएंगे आपको। आप इस चैनल को और टेस्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।